एवरीवन, वेलकम टू पूजा टेक्निक क्लासेस। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा दो नोटिस अपडेट हुई है, जो 21/11/2024 के डेट में नोटिस को अपडेट किया गया है। आइए हम जानते हैं कि इस नोटिस में क्या कुछ अपडेट है। जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, 21/11/2024 इसमें यह बताया गया है कि विषय है बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या 01/2019 अंतर्गत कनिया अभियंता के अभ्यर्थियों का संबंधित विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र अंक पत्रों का सत्यापन कराने के संबंध में। जो भी अभ्यर्थी का यहाँ इसमें रिजल्ट हुआ था, वो सारे लोगों को यहाँ पे क्या किया जाना है, विश्वविद्यालय वो जहाँ से डिप्लोमा पास किए हैं वहाँ जाकर उनके प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र की सत्यापन होगी। प्रसंघ अध्यक्ष बिहार तकनीकी सेवा आयोग का पत्रांक 35/26/2024। महाशय उपयुक्त विषयक अध्यक्ष बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना का मुख्य सचिव बिहार को संबोधित पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए निर्देशानुसार कहना है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या 01/2019 अंतर्गत कनिया अभियंता के अभ्यर्थियों का संबंधित विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र / अंक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रासंगिक पत्र में वर्णित संख्या के अनुसार कार्यपालक अभियंता एवं नियमित सहायक अभियंता की प्रतिनियुक्ति दिनांक 22/11/2024 के पूर्व कराने का अनुरोध किया गया है। अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र में वर्णित संख्या के अनुसार कार्यपालक अभियंता नियमित सहायक अभियंता की प्रतिनियुक्ति आज ही कराने की कृपा की जाए। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जो जांच करने जाएंगे विश्वविद्यालय में, वो लोग को प्रतिनियुक्ति की बात कही गई है कि कौन लोग जाएंगे, तो वो हैं कार्यपालक अभियंता और नियमित सहायक अभियंता। ये सारे लोगों का प्रतिनियुक्ति हुई है विश्वविद्यालय में अंक प्रमाण पत्रों की जांच कराने हेतु। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आगे लिखी गई है विज्ञापन संख्या 01/2019 कन्या अभियंता के विज्ञापन के अंतर्गत अतिरिक्त अभ्यर्थियों का संबंधित विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने के संबंध में। इसमें आगे क्या लिखा हुआ, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन में विज्ञापन संख्या 01/2019 अंतर्गत कन्या अभियंता की नियुक्ति संबंधित मामले में अतिरिक्त अभ्यर्थियों के चयन पर कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में कई विश्वविद्यालय से संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र संदिग्ध प्रतीत होने के कारण, यानी कि उनकी शक हो रहा है कि उनका प्रमाण पत्र फर्जी है, जिस वजह से जांच करने के लिए आदेश किया जा रहा है। जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी तरह की जाँच पूर्व में भी कन्या अभियंता की नियुक्ति के मामले में किया गया है। यह कार्य विभिन्न अभियंत्रण विभागों के अभियंताओं के माध्यम से कराया गया है। अतः पूर्व की भांति इस मामले में अतिरिक्त अभ्यर्थी के चयन से संबंधित प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्रों की जांच हेतु नामांकित 8 विभागों के वर्णित संख्या के अनुसार कार्यालय अभियंता एवं नियमित सहायक अभियंता को प्रतिनियुक्त दिनांक 22/11/2024 के पूर्व कराने का आदेश देने की कृपया किया जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 8 विभाग है ना, ये सारे लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया है जाँच करने के लिए, जैसे कि प्रतिमा विभाग, जल संसाधन विभाग, ये सारे मिला के 8 कुल है विभाग। उनका कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता, कौन से डिपार्टमेंट से कितना कार्यपालक अभियंता होंगे और कितना सहायक अभियंता, ये सारे मिलकर जो है विश्वविद्यालय जाकर और उनकी प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे। और ये जो नोटिस आई है, जो कि दोबारा काउंसलिंग कराने के लिए, उसमें क्या लिखा गया, ये भी 21 के ही डेट में नोटिस आई है। इसमें बताया गया है कि यहाँ देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि जो जजमेंट आया था 4/10/2024 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत वो कन्या अभियंता आर्सेनिक यांत्रिक विद्युत के पदों पर चयन कर संशोधित अनुशंसा सूची 3 माह के अंदर अधियाची विभागों को प्रेषित की जानी है। पूर्व में कतिप विश्वविद्यालय को AICIT से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स संचालित कराने की मान्यता नहीं होने के फलस्वरूप वैसे अभ्यर्थियों से डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को
आयोग कर दिया गया है एवं प्रमाण पत्रों अंक प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच नहीं की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वैसे अभ्यर्थियों वैसे विश्वविद्यालय से डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों अंक प्रमाण पत्रों की गहनता से की गई जाँच में प्रमाण पत्रों में परिलक्षित त्रुटियां अभ्यर्थियों के अप्रत्याशित रूप से अधिक प्राप्त होने के कारण एक ही शैक्षणिक पत्र में अत्यधिक संख्या में अभ्यर्थियों के डिप्लोमा उत्तीर्ण होने का कारण प्रथम दृष्टया उक्त प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र संदेहास्पद प्रतीत होते हैं एवं उक्त के फर्जी फेक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। त्रुटिहीन मेघा सूची तैयार करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों की गहन जांच की गई है। पाया गया कि अधिकांश अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पे फर्जी अभ्यर्थियों के लेकर के बात चलिए जिस कारण से जो है जांच किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कहाँ तक हम बताए थे। त्रुटिहीन मेगा सूची तैयार करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों की गहन जाँच की गई है। पाया गया कि अधिकांश अभ्यर्थी द्वारा औपबंधिक प्रमाण पत्र आदि समर्पित किए गए हैं, इसलिए उक्त अभिलेखों के द्वारा आधार पर अंतिम मेगा सूची तैयार करने में कठिनाई है। वर्णित परिस्थिति में आयोग द्वारा वैसे विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग उत्तीर्ण बीच में जो है रैयत का कॉल आ गया था जिस कारण से जो है वीडियो स्टॉप करना पड़ा, कहाँ तक हम बताए थे। तो इसमें जो फेक अभ्यर्थी हैं उनके लिए संदेशजनक बात है जो उसी कारण जो है जांच किया जा रहा है, पूरा गहन जांच होगी। आगे लिखा गया है वर्णित परिस्थिति में आयोग द्वारा वैसे विद्यालय से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की पुनः गहन जाँच हेतु दिनांक 29/11/2024 से 30/11/2024 तक पुनः दस्तावेज सत्यापन संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराते हुए संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 29 तारीख और 30 तारीख को दो दिन में अभ्यर्थियों को बुलाया गया जिन पे उनको शक है और उनको जो है वीडियोग्राफी के माध्यम से उनकी फिर से सत्यापन होगी, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जो जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का मूल और अंकित प्रमाण पत्र की मूल एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति केवल प्रोविजनल डिप्लोमा प्रमाण पत्र का मान नहीं होगा, यानी कि उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। बाकी ये सारा देख लीजिएगा क्या कुछ डॉक्यूमेंट में मांगा गया है। ऐसे ये PDF आपको पढ़ने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। मैं वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं टेलीग्राम पे ही सबसे पहले अपडेट दे देती हूँ, इसलिए टेलीग्राम पे ज्वाइन होना जरूरी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लास्ट में यहाँ पे लिखा गया निर्धारित तिथि एवं पाली में पुनः सत्यापन में सभी वर्णित दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थियों का अमान्य कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है लिस्ट में अपना नाम देख लीजिए किनका किनका आया हुआ है और वो लोग अपना DV कराने चले जाएंगे 29 और 30 तारीख को। उसमें डेट लिखा गया है क्योंकि फिर से आप लोग का जांच होगी। किस प्रकार से अवधि विस्तारित आदि से संबंधित आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आप नहीं गए उस टाइम काउंसलिंग में जो 29 और 30 को दिया गया है तो आपका जो है उस लिस्ट से रिजल्ट जो आएगा उसमें से निकाल दिया जाएगा। आगे लिखा गया तो दस्तावेज सत्यापन स्थल से ही संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध कठोर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर वहाँ पे गलत निकले तो वहीं से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ये कुछ यहाँ पे लिखा गया है। और ये हल्फनामा शपथ पत्र का प्रारूप है जो कि इसको भर कर ले जाना है। और ये अभ्यर्थियों का जो है नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है जो काउंसलिंग में बुलाया गया है, ये 29 तारीख का है। इसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके चेक कर लीजिएगा 29 और 30 टोटल कुल अभ्यर्थी कितना है। टोटल अभ्यर्थी यहाँ पे 245 है, सॉरी 245 नहीं 291 है, यहाँ पे देख लीजिए 291 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया है फिर से जांच हेतु। आई होप आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।